नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। उन्हें एक कैदी की तरह, जिस तरीके से एक व्यक्ति जब जेल में बंद होता है उस हिसाब से जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सुविधाएं मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद अब मनीष सिसोदिया के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किए जा रहे हैं जो ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया के पास फोन उपलब्ध है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के अकाउंट से आखिर कौन ट्वीट कर रहा है। अगर मनीष सिसोदिया कर रहे हैं तो तिहाड़ जेल में क्या उन्हें फोन की सुविधा दी गई है, और अगर मनीष सिसोदिया नहीं कर रहे हैं तो उनका आईडी और पासवर्ड आखिर किसके पास है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, जो कल तक चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही थी कि जेल तो अरविंद केजरीवाल जी का है, जेल में बहुत मजे हैं, आज ये दावा कर रही है कि मनीष सिसोदिया को खूंखार अपराधियों के साथ रखा गया है और मनीष सिसोदिया को मारने की साजिश चल रही है, जिस पर जेल की तरफ से आम आदमी पार्टी के इस एजेंडा और बीजेपी को गलत लाइट में दिखाने के इस प्रोपेगेंडा का भंडाफोड़ कर दिया गया है, और उन्होंने बताया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आखिर क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर कौन कर रहा है मनीष सिसोदिया के ट्विटर हैंडल से ट्वीट, क्या है इसके पीछे का राज। बता दें आपको कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद है, और इसी बीच 8 मार्च के दिन शाम के वक्त उनके आधिकारिक यानी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया, जिसे लेकर अब राजनीतिक गलियारों में हाहाकार मचा हुआ है। सिसोदिया के इस ट्वीट को लेकर भाजपा उन पर हमलावर है, उन पर आरोप लग रहा है कि वह जेल में मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा सांसद परवेश वर्मा ने ट्वीट किया, जेल में मनीष सिसोदिया के पास फोन ? गौरतलब है कि 26 फरवरी को लंबी चली पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया था, और इसके बाद अब तक मनीष सिसोदिया का उसके बाद से कोई भी ट्विटर पे कोई भी ट्वीट उनके द्वारा नहीं किया गया। उनके ट्विटर हैंडल से लेकिन होली के शाम में पहली बार एक ट्वीट किया गया था, जिसे लेकर बवाल मच गया। मनीष सिसोदिया के इस ट्वीट में लिखा, आज तक सुना था कि देश में स्कूल खुलते हैं तो जेल बंद होते हैं, लेकिन अब इन लोगों ने तो देश में स्कूल खोलने वालों को ही जेल में डालना शुरू कर दिया है। मनीष सिसोदिया के इस ट्वीट पे भारतीय जनता पार्टी को मनीष सिसोदिया पर सवाल उठाने का आप कह सकते हैं कि एक मौका मिल गया। वही माना जा रहा है कि सिसोदिया के अकाउंट को उनकी सोशल मीडिया टीम हैंडल कर रही है, तो ये उनकी या तो उनकी पत्नी, लेकिन इसे लेकर बीजेपी लगातार जो है सवाल ताग रही है कि आखिर मनीष सिसोदिया के पास कहां से आया फोन। से परवेश साहिब सिंह ही नहीं, बता दे आपको कि इसे लेकर लगातार जो है ट्वीट किए जा रहे हैं। बग्गा ने पूछा कि एलन मस्क ने इस आदमी को क्रिमिनल है और इस वक्त जेल में है, अगर कोई और इसका अकाउंट यूज कर रहा है इसके बिहाफ में तो इसके अकाउंट को प्लीज आप ब्लॉक कर दीजिए। नीलकांत बख्शी ने लिखा, जेल से ट्वीट कर रहे सिसोदिया जी ? गजबे फैसिलिटी मिल रही है क्योंकि जेल अरविंद केजरीवाल जी के अंडर जो है। वही आपको बता दें बीजेपी नेता हरीश खुराना ने लिखा जो है जेल से ट्वीट्स, और इस दौरान उन्होंने शॉक वाला इमोजी भी इस्तेमाल किया। तो साफ तौर पर बीजेपी से लेकर मनीष सिसोदिया को और आम आदमी पार्टी को घेर रही है। हाल ही फिलहाल में सौरभ भारद्वाज ने खुलेआम अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहा था कि जेल में बहुत मजे हैं, जेल जाने से डरो नहीं, जेल तो अरविंद केजरीवाल जी का है, हमारे दो साथी जेल में गए हैं और वो बहुत मजे कर रहे हैं। अब ऐसे में भारद्वाज द्वारा इस बयान के बाद अब वही सौरभ भारद्वाज हैं जो कि अब पीसी करते हैं, पीसी करके लिखते हैं कि मनीष सिसोदिया जी को षड्यंत्र के तहत तिहाड़ जेल के 1 जेल में रखा गया है, ट्रायल की व्यक्ति को जेल नंबर 1 में नहीं रखा जाता है, ये किस तरीके से उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। उसके बाद एक और जो है संजय सिंह वो कहते हैं कि कोर्ट का आदेश है सिसोदिया को जो है विपासना सेल में रखा जाए, पीएम मोदी की दुश्मनी अब हद हद तक पहुंच चुकी है, मनीष जी को देश के सबसे खूंखार खतरनाक अपराधियों के साथ जेल में रखा गया है, उनकी हत्या करवाई जा सकती है, मनीष जी का अपराध है उन्होंने लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है। सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि अंडर ट्रायल व्यक्ति को जो है जेल नंबर 1 में नहीं रखा जाता, या देश के सबसे हिंसक अपराधियों को रखते हैं जो एक इशारे पर हत्या कर देते हैं, बीजेपी बताए किस तरह की राजनीति दुश्मनी होती है। तो यही आपको बता दे
कि किस तरीके की ओछी राजनीति ये कर रहे हैं। खुद ही कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जेल है, खुद ही कहते हैं कि जेल में बड़े मजे हैं, लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जेल में खूंखार व्यक्तियों के साथ रखा है, जेल में मारने की साजिश हो रही है, जेल में ये, जेल में वो। अब जेल मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के तो है ही नहीं अंडर में जेल। सत्येंद्र जैन जेल में थे तो उन्हें मसाज भी मिल रहा था, रूम सर्विस भी मिल रही थी, उन्हें जो है फिजियोथेरेपी भी मिल रही थी, उन्हें जो है प्रॉपर खाना 5 स्टार का मिल रहा था। लेकिन मनीष सिसोदिया के जेल जाते ही क्या जेल अरविंद केजरीवाल का नहीं रहा, या मनीष सिसोदिया को ये सारी फैसिलिटीज नहीं देना चाहते हैं, या फिर मनीष सिसोदिया के लिए खुद अरविंद केजरीवाल ये षड्यंत्र रच रहे हैं? और ये हम नहीं, ये बीजेपी वाले खुद कह रहे हैं कि जेल जब अरविंद केजरीवाल की है तो साजिश बीजेपी कहां से रचेगी, साजिश तो फिर अरविंद केजरीवाल ही अपने मंत्री के खिलाफ रच रहे हैं। अब यही नहीं, मजिंदर सिंह सिरसा ने लिखा कि केजरीवाल गैंग का नया ड्रामा है, कह रहे हैं कि तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया की जान को खतरा है, पर तिहाड़ जेल तो आम आदमी पार्टी सरकार के अधीन है, खतरा सिसोदिया की जान को नहीं, खतरा अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को है कि कहीं मनीष सिसोदिया शराब घोटाले पर अपना मुंह ना खोल दे। तजिंदर पाल सिंह बग्गा लिखते हैं, सौरभ भाई जेल केजरीवाल सरकार के अंतर्गत आती है, क्या भूल गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल जी को डर सता रहा है कि अगर मनीष सिसोदिया ने मुंह खोल दिया तो केजरीवाल का बचना मुश्किल हो जाएगा? क्या इसी डर के कारण तो नहीं कहीं केजरीवाल जी सिसोदिया जी का हत्या करवाना चाहते हैं? तो ये जो है तरह तरह की ट्वीट जो है किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि साजिश कहीं केजरीवाल जी तो नहीं रच रहे। और इन सभी के बीच आपको बता दें कि जो दावे ये कर रहे थे, इन दावों को बड़ा झटका देते हुए जेल प्रशासन ने इनकार कर दिया और कहा कि साफ तौर पर आम आदमी पार्टी जो है झूठ बोल रही है। आखिर कैसे झूठ बोल रही है? बता दें कि सौरभ भारद्वाज जो है कह रहे थे कि उन्हें संकेत मिलते ही उन्हें मार सकते हैं, साजिश रची जा रही है, अगर एक और जोड़ा जाता है तो उसे परवाह नहीं होगी, ये सारी चीजें। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बीजेपी भले ही राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, लेकिन क्या राजनीति में कभी इस तरह की दुश्मनी देखी गई? सौरभ भारद्वाज ने काफी कुछ कहा, जिसके बाद अधिकारियों ने इसे लेकर पहले ही कहा था कि सिसोदिया को तिहाड़ जेल नंबर एक में रखा जाएगा, जो एक वरिष्ठ नागरिक के लिए है, यानी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इनकी है नहीं, एजेंडा प्रोपागेंडा इन्हें चलाना है, विक्टिम कार्ड इन्हें खेलना है, तो इस तरीके से इन्हें शुरू हो गया। अदालत ने आपके वरिष्ठ नेता को भगवत गीता चश्मा दवाई जेल ले जाने की अनुमति दी और तिहाड़ जेल के अधिकारियों को विपासना साधना करने के उनके अनुरोध पर विचार करने का भी निर्देश दिया था। जेल सूत्रों ने बताया कि मनीष सिसोदिया को एक बेहतर वार्ड जेल नंबर 1 में रखा गया है, जहां कड़ी सुरक्षा भी है, क्योंकि ये कह रही है कि जेल नंबर 1 में क्यों डलाया, यानी ये चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया की सुरक्षा में चूक हो, क्योंकि अधिकारी तो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को कड़ी सुरक्षा में रखा है। अब क्या आम आदमी पार्टी को मनीष सिसोदिया को सुरक्षा में रखने से भी तकलीफ है? फिर मनीष सिसोदिया को सुरक्षा में रखा गया है, मनीष सिसोदिया वहां पर सेफ है, सिक्योर है, गीता दे दिया, चश्मा दे दिया, सारी चीजें दे दी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसा क्यों कह रही है कि उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है? क्या माहौल बनाने का प्रयास कर रही है आम आदमी पार्टी? क्या आम आदमी पार्टी और यू कहिए कि अरविंद केजरीवाल के दिमाग में कुछ चल रहा है? क्योंकि अधिकारी कह रहे हैं कि जेल सेफ है, अधिकारी कह रहे हैं वरिष्ठ नागरिक के लिए जेल है, अधिकारी कह रहे हैं कड़ी सुरक्षा है, लेकिन पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी कह रही है कि साजिश चल रही है, मनीष सिसोदिया को मारा जा सकता है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि प्रशासन ने कहा कि जेल नंबर 1 में कोई आतंकवादी या गैंगस्टर नहीं है। फिर ध्यान देने वाली बात है, ये कह रहे हैं खूंखार आतंकवादियों के साथ, आरोपियों के साथ रखा है। जेल के अधिकारी कहते हैं कोई आतंकवादी नहीं, कोई भी गैंगस्टर नहीं है, जेल नंबर 1 अच्छे व्यवहार वाले अतिरिक्त कैदियों को रखा जाता है, सिसोदिया को कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। तो साफ तौर पर देखिए किस तरीके से भांडाफोड़ जो है आम आदमी पार्टी के एजेंडा का खुद जो है पुलिस प्रशासन द्वारा ही कर दिया गया। ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।